जय हिंद दोस्तों, हेनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं सत्यम कश्यप आज आपसे बात करने जा रहा हूं R59 R59 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि एक वेट लॉस ड्रॉप है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको जानना है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, कौन कौन इसको ले सकता है, किस एज ग्रुप के लिए बनी है और क्या ये वेट लॉस करने में कारगर है या फिर नहीं। तो वजन घटाने की पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि वजन कब बढ़ता है, वजन बढ़ने का कारण क्या है। वजन बढ़ने के मेनली यहाँ पर दो कारण होते हैं। एक तो आप कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कैलोरी जितनी मिलनी चाहिए आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तब वजन बढ़ेगा आपका। और दूसरी चीज़ यह है, वैसे भी इंडियन डाइट जो है कैलोरी डेंस होती है, तो आपको कैलोरी को कम करना होगा। दूसरी चीज़, आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो रही है आपके साथ, मतलब आप ऑफिस पे घर पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई शारीरिक काम आप नहीं करते, तो वजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जंक फूड का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी वजन बढ़ जाता है। और हेरिडिटरी कॉज भी हो सकता है कि माता पिता में वजन बढ़ा हुआ है, तो चांसेस हैं कि आप में भी वजन बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। तो आपको मेडिसिन के साथ साथ दो पॉइंट यहाँ पे मैं बता दूंगा, वो आपको ज़रूर करने हैं। नंबर वन पॉइंट, आपको कैलोरीज को कम करना है, अपनी डाइट से कम करना है कैलोरीज को, और वेजिटेबल्स और फूड, फलों और सब्जियों को प्राथमिकता देनी है, उनको ज़रूर खाना है। दूसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है सुबह को, चाहे आप टहले ही क्यों ना, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करनी होगी। योगा करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, योगा भी करना होगा, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। और कम से कम 8 गिलास पानी आपको रोज़ पीना होगा, वाटर इनटेक को बढ़ाना होगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है या नहीं, ये आपको जान लेना चाहिए, आपको बॉडी मास इंडेक्स पे देख लेना है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर नहीं। आपको साफ हो जानी चाहिए ये बात कि वजन बढ़ा भी हुआ है या फिर नहीं, उसमें एज के हिसाब से वेट डालते हैं और आपके पूरा आ जाता है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर नहीं। बॉडी मास इंडेक्स में डिफरेंट रेटिंग्स दी होती हैं, जैसे 18, 19, 20। अगर 25 से ऊपर जा रही है आपकी रेटिंग, 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका वजन ज़्यादा है। बात करते हैं R59 R59 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि डॉक्टर रैकबैक जर्मनी का प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर रैकबैक R59 R59 मेनली प्रिपेयर की गई है जिनका वजन बढ़ गया है, उनके वजन को बढ़ने से रोकने में और वजन को घटाने में, ये एक बहुत ही प्रभावकारी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसमें ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिनका सेंटर ऑफ एक्शन होता है हमारे वजन को कम करने में। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोलिकम, हेनीमनी, नेट्रम सल्फ, ग्रेफाइटिस, स्पॉन्जिया जैसी मेडिसिन इसमें अवेलेबल हैं। वजन घटाने में बहुत ही प्रभावी है R59 होम्योपैथिक मेडिसिन, इसको ले सकते हैं जिनका वजन बढ़ गया है या फिर बढ़ चुका है। इसकी ड्रॉप्स सेवन की विधि मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेना है। उससे पहले बताता हूँ, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट्स। और इसके सेवन की विधि मैं बता देता हूँ, देखिए अंदर से इस तरीके की शीशे आपको मिलेगी। बड़ों में, जो बड़े लोग हैं जिनका वजन बढ़ गया है, वो इसकी सेवन की विधि है उनके लिए, कि 10-10 बूंद दिन में 3 बार लें, आधा कप पानी में, आधा कप पानी लें, उसमें 10 बूंद इसकी डालें, और खाना खाने से पहले इसको आपको लेना है। मुंह साफ होना चाहिए, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। 10-10 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, आधा कप पानी में इसकी लें। अब बच्चों के लिए डोज, बच्चों के लिए बिल्कुल अलग डोज है जिनका वजन बढ़ गया है, बच्चों के लिए बड़ों की डोज की आधी कर दें, मतलब 5-5 बूंद दिन में 3 बार कर दें बच्चों के लिए, सुबह दोपहर शाम, वही आधा कप पानी में। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है R59 R59, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर इस टाइम पे अवेलेबल है। प्राइस इसका मैं बता देता हूँ आपको, 235 रुपीज़ पे इस टाइम पे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है R59, वजन घटाने को और वजन बढ़ने से रोकने में बहुत ही प्रभावकारी है। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी मदद चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर भी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताता रहता हूँ। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, धन्यवाद।